गुरुग्राम के डीएवी पब्लिक स्कूल में दो दिवसीय बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनी सीबीएसई द्वारा हर साल आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक और रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जा सके और उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने एवं प्रदर्शित करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो। इस प्रदर्शनी में पंचकुला क्षेत्र के लगभग 65 विद्यालयों ने भाग लिया। इन विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा 102 मॉडल प्रस्तुत किए गए, जो उनकी मेहनत और वैज्ञानिक सोच को प्रदर्शित कर रहा था। इस आयोजन के समापन समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गुरुग्राम के एमसीजी एडिशनल कमिश्नर मुनीश शर्मा और सीबीएसई की ज्वाइंट सेक्रेटरी एकेडमिक्स डॉक्टर श्वेता सिंह उपस्थित रहे। निर्णायक मंडल में डॉक्टर एनके सहगल, प्रोफेसर राम अवतार, डॉक्टर लवलीन शुक्ला, डॉक्टर केएल पटेल, डॉक्टर राकेश कुमार जैन और डॉक्टर शुभांक जैन ने सभी विज्ञान के मॉडलों का निरीक्षण कर कुछ विशिष्ट मॉडल का चयन किया, जो इस प्रतियोगिता के राष्ट्रीय स्तर के लिए जा सकेंगे। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए बताया कि उनके स्कूल में दो दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान विद्यार्थियों में काफी उत्सुकता और उत्साह देखने को मिला। ये सीबीएसई जो है हर साल एग्जीबिशन करता है बच्चों के लिए टू प्रमोट साइंस और मैथमेटिक्स की जो स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ विज्ञान के प्रति बच्चों का, कि विज्ञान का केवल किताबों के लिए नहीं है, विज्ञान जो है वो हम सब की तरफ है, हमारे अंदर, हमारे बाहर, हमारी हर एक्टिविटी को विज्ञान सपोर्ट कर रहा है। तो हम एक वैज्ञानिक बच्चों के अंदर भावना पैदा करने के लिए ये जो एक्टिविटी है सीबीएसई ने ली है और हमें ये कार्यभार सौंपा गया कि हम पंचकुला रीजन के जो 65 स्कूल हैं उनके लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन करें। 102 एग्जिबिट्स हमारे आए हैं एंड हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि सब लोग बहुत खुश हैं यहाँ पर प्रेजेंटेशन से। जजेस जो हैं हमारे इस प्रदर्शनी में सब एक से एक बहुत आए हैं। हमारे पास आईआईटी के एलुमनाई और मेदांता के डॉक्टर्स, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट और यूएन, यूनाइटेड नेशंस के डेवलपमेंट टीम के जो साइंटिस्ट हैं वो सब हमारे यहाँ पर जजेस हैं। कल हमारे पास यहाँ पर जो डायरेक्टर एकेडमिक्स सीबीएसई के डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल वो आए थे। तो इस पूरे जो हमारा प्रदर्शनी का रूप है उसको एक नए चांद लगे। हमने अपने स्कूल की तरफ से ये किया कि सीबीएसई ने तो हमें खाली 65 स्कूलों का एक कार्यभार सौंपा था, हमने इसको पूरा एक विज्ञान का उत्सव, साइंस उत्सव का रूप दे दिया। इसमें हमने क्या किया, एक आपने देखिए एक प्लेनेटेरियम लगाया है जिसके अंदर बच्चे आ रहे हैं और वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि जो दुनिया है ऊपर, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की जो तारों की दुनिया है उनको बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए एक नया ही एक्सपीरियंस है, हम एज बड़े भी इसको एक्सपीरियंस करके आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऊपर छोटे छोटे बच्चे हैं वो रॉकेट लॉन्चिंग कर रहे हैं, अपने रोबोटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स दिखा रहे हैं, साइंस के छोटे छोटे प्रिंसिपल्स जो विज्ञान के किस वजह से कोई चीज़ काम करती है उन सबको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो मैंने इस प्रदर्शनी का रूप ऐसे देखा है कि मैं अपने स्कूल के बच्चों और जिले के बच्चों और जो पंचकूला रीजन के बच्चे हैं उनको एक पूरा आयाम मिल सके इस बारे में कि वो विज्ञान को महसूस कर सके और देखें कि विज्ञान से हम कितना सुंदर इस विश्व को, इस धरती को बना सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो जो थीम्स हमें दिए हैं इसने सीबीएसई ने, उसमें एक है वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो कचरा और वेस्ट है उसको मैनेज करना भी एक हमारा परम धर्म है। आज अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की तो इतना ज़्यादा ई वेस्ट फेंका जाता है जिसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान और ख़तरा, हमारे लिए रहने लायक धरती ही नहीं बचेगी। तो जो बच्चे जो हैं जो वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं वो नए नए तरीके लेके आए हैं कि हम कैसे वेस्ट को मैनेज करें। एक हेल्थ और वेलनेस का है, कुछ प्रोजेक्ट्स तो इतने बढ़िया हैं कि हमारे जजेस सोच रहे हैं कि इनको तो हम इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाएं। तो पूरे विद्यालय में काफी चहल पहल थी। इस आयोजन में विद्यार्थी अपनी निर्धारित भूमिका निभाते हुए काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार सभी के सहयोग से ये आयोजन बेहद सफल रहा। वॉइस ऑफ हरियाणा के लिए गुरुग्राम से मनु मेहता की रिपोर्ट।